सन 1983 में आई सुभाष घई की फिल्म हीरो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म इंडस्ट्री को इस फिल्म से जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेसादरी के रूप में दो नए स्टार्स मिले थे, लेकिन इस फिल्म से एक और एक्टर के करियर की भी शुरुआत हुई थी। इस एक्टर को अगले कई सालों तक दर्शकों ने कई फिल्मों में देखा था। ज्यादातर तो ये एक्टर हीरो के दोस्त के रोल में नजर आता था, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें इस जनाब ने कुछ हटकर किरदार भी निभाए थे। ये थे सलीम खान और प्यार से लोग इनको कहते थे डिंग डोंग। हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि सलीम खान की वास्तविक जन्मतिथि क्या है, लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया में कुछ लोग ये कहते हैं कि सलीम खान 20 सितंबर सन 1965 को पैदा हुए थे। इनका जन्म मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। सलीम खान के दोस्त इन्हें यूसुफ खान भी कहकर पुकारते थे, जबकि कॉलेज में इन्होंने अपना नाम सलीम यूसुफ खान लिखाया था। इनका जन्म मुंबई के एक बेहद पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद इस्माइल खान था और वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जबकि इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। चूँकि पिता एक अच्छी नौकरी में थे, तो बचपन से ही सलीम खान का उठना बैठना मुंबई की हाई सोसाइटी में था। कहा जाता है कि सलमान खान से इनकी दोस्ती उन दिनों से थी जब सलमान खान एक्टिंग की दुनिया में आए भी नहीं थे। सलीम खान की कदकाठी बड़ी लंबी चौड़ी थी और ये 6 फीट से भी ज्यादा लंबे थे और चौड़े शरीर के मालिक थे। इनकी स्कूलिंग मुंबई के सेंट एस्टोनिस लॉस हाई स्कूल से पूरी की थी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने बांद्रा के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में दाखिला लिया। चूँकि ये एक अमीर घर से ताल्लुक रखते थे और अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे, तो इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। बाइकों का बेहद शौक था और इसलिए इनके पास कई स्पोर्ट्स बाइक्स थी, साथ ही इनके पास कई कारें भी थी। सलीम को बाइक रेसिंग बड़ी पसंद थी। ये 3 दफा महाराष्ट्र बाइक रेसिंग चैंपियनशिप जीत चुके थे। इन्हें अपनी बाइक्स पर स्टंट करने का बड़ा शौक था और इनका यही शौक आखिरकार इन्हें फिल्मों में भी ले आया। दरअसल एक दिन सुभाष घई यूं ही घूमने मुंबई के बैंड स्टैंड पहुंच गए। वो अपनी अपकमिंग फिल्म हीरो के लिए कुछ नए लड़कों की तलाश में थे। इत्तेफाक से सलीम खान बैंड स्टैंड पर ही अपने दोस्तों के साथ बाइक स्टंट्स कर रहे थे। सुभाष घई ने जब इन्हें बाइक पर स्टंट्स परफॉर्म करते देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी फिल्म में हीरो के दोस्त के लिए वो इस लड़के को जरूर कास्ट करेंगे। सुभाष को अपनी फिल्म में चाहिए भी कुछ ऐसे ही लड़के थे जो बाइक्स के शौकीन हों। सुभाष घई ने इन्हें अपना कार्ड दिया और अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर देते हुए कहा कि कल मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। अगले दिन ये सुभाष घई के ऑफिस गए और सुभाष घई ने इन्हें हीरो फिल्म में कास्ट कर लिया। इत्तेफाक से इसी साल यानी सन 1982 में ही शाहिदा खान नाम की एक लड़की से इनकी शादी भी हो गई। शाहिदा राजस्थान की रहने वाली है और सलीम संग उनकी शादी भी राजस्थान में ही हुई थी। शादी और फिर फिल्मों में काम मिलने की वजह से सलीम खान ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। फिल्म हीरो रिलीज हुई और एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म का गीत डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग वो गीत बन गया, जिसकी वजह से सलीम खान का नाम सलीम खान डिंग डोंग पड़ गया। हीरो के बाद सलीम खान नजर आए देवानंद साहब की फिल्म हम नौजवान में। इस फिल्म में ही पहली दफा क्रेडिट्स में इनका नाम सलीम खान डिंग डोंग दिया गया था। फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम भी डिंग डोंग ही था। चूँकि ये बाइक स्टंट्स के भी शौकीन थे तो ढेरों फिल्मों में इन्होंने बतौर स्टंटमैन भी काम किया था। सलीम खान ने करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए फूल और कांटे, गुरु, बागी, नरसिम्हा, विश्वात्मा, जो जीता वही सिकंदर, एक लड़का एक लड़की, जिगर, फूल और अंगार, दीवाना, दिल तेरा आशिक, जागृति, आतिश, सुहाग, करण अर्जुन, नाजायज, कृष्णा, दीवाना मस्ताना, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम, चोरी चोरी, परवाना, शादी करके फंस गए यार, जाने मन और पार्टनर जैसी फिल्मों में सलमान संग ही इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म शादी करके फंस गया में काम किया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था और फिर साल 2011 के नंबर में अचानक आए एक हार्ट अटैक की वजह से सलीम खान डिंग डोंग का निधन हो गया। इस तरह कई फिल्मों में अपनी अनोखी हरकतों से हमें और आपको हंसाने वाले ये एक्टर खामोशी से दुनिया छोड़ गए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।